ऑलराइट गाइस, टुडे इज़ नॉट गोना बी अ ट्रैवल वीडियो, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना पैंडेमिक ट्रैवल करने में बहुत मदद करेगा। कहीं भी आप अगर जाते हो तो आप थोड़ा सा उसकी वजह से सेफ और सेल्फ सफिशिएंट फील कर सकोगे। सो यस, नेक्स्ट 5 मिनट्स विल गेट टू नो अबाउट अ वेरी यूजफुल एंड हैंडी प्रोडक्ट फॉर ट्रैवलिंग। मे बी दिस विल बिकम द न्यू नॉर्मल नाउ, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये प्रोडक्ट आपका हो सकता है आज, बिकॉज एज यू सॉ फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर गिव अवे अनाउंसमेंट ऑन आर चैनल काउंटिंग किलोमीटर्स। पहले तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई टेल यू हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन द गिव अवे एंड हाउ यू कैन विन दिस फॉर यूर सेल्फ। सो पूरा वीडियो जरूर देखिए और बाद में बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर गिव अवे। सो द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर विल बी एनकरेज, और ऐसे और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा गिव अवेज आपके लिए लेके आएंगे इन फ्यूचर। सो व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम नाउ, लेट्स गेट इनटू इट। First of all, hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. And as I said, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कैंपिंग और ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अभी आफ्टर द पैंडेमिक वेन वी आर स्टार्टिंग ट्रैवलिंग अगेन, सब कुछ धीरे धीरे ओपन हो रहा है, वी आर स्टिल नॉट वेरी श्योर कि कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह नहीं है, कहाँ पे हमें होटल्स में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो आत्मनिर्भरता के लिए ये प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है। सो व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे इज दिस कैंपिंग स्टोव। ये एक ब्यूटेन गैस पे चलने वाला स्टोव है एंड इट इज इजीली पोर्टेबल। एज यू कैन सी इट कम्स इन अ व्हाट यू कॉल अ सूटकेस सॉर्ट ऑफ अ पैकिंग। ये मैंने ऑलमोस्ट एक साल पहले खरीदा था, लेकिन इसके साथ जो कैनिस्टर आता है जिसमें ब्यूटेन गैस होता है एक्चुअली, वो इसके साथ जो आता है वो एम्प्टी होता है, और वो भरा हुआ मुझे मिला नहीं। उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो 4-6 महीने उसमें चले गए। सो फाइनली आई गॉट दैट एंड आई गॉट टू मेक दिस वीडियो टुडे। सो लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट इज इट इनसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, इसका यूजर मैनुअल, यूजर गाइड, ये तो मैंने बहुत स्टडी कर लिया है तो अभी के लिए मैं इसको बाजू में रख देता हूँ, बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट। और दिस इज द गैस, इट्स अ प्रॉपर बर्नर स्टाइल स्टोव। इसमें बहुत से वेरिएंट्स आते हैं जिसमें एक ऐसा भी होता है जिसमें डायरेक्टली कैनिस्टर के ऊपर बर्नर बैठता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा था। दिस वन इज क्वाइट सेफ, इसको मतलब जैसा अपना घर में स्टोव होता है वैसा ही है ये। दिस इज इजीली रिमूवेबल, वॉशेबल, इसको उल्टा करेंगे तो दिस कैन होल्ड ऑल योर यूटेंसिल्स ऑन दिस, और पैकिंग के लिए इसको ऐसे उल्टा रख सकते हैं। आई टेक इट आउट फ्रॉम द सूटकेस। When I got this last year, I got it from Mountain Sports Academy, Mumbai में जो adventure equipments का shop है। I'll put the contact details in the description. अभी मुझे इसका current price पता नहीं है, but when I bought this, I bought it for 1000 rupees. तो yes, it's quite good for the price. तो इसमें side में ये compartment है जिसमें actually आपका butane canister यहाँ पे fit होता है। I'll show you. इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नोजल्स आते हैं। एक्चुअली दिस नोजल इज वेरी हैंडी, इसको अगर आप ब्यूटेन कैनिस्टर की जगह पे इस नोजल को लगाते हो तो डायरेक्टली आपका जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसका पाइप भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन यूज इट एज अ डोमेस्टिक स्टोव अगर आपको इमरजेंसी में कहीं एक्स्ट्रा स्टोव यूज करना है। सो यस, दिस इज द ब्यूटेन कैनिस्टर हियर। आई रिमूव इट फर्स्ट, दिखाता हूं आपको। ओके, दिस इज इट, ये ऐसे आता है। जो इसके साथ आता है ये एम्प्टी होता है, और अमेजोन पे वगैरह बहुत से अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ठीक से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अमेजोन से जो मिलते हैं वो भी एम्प्टी ही मिलते हैं, बिकॉज एज पर इंडियन रेगुलेशंस, कुरियर के जो लॉज है उसके हिसाब से ये इन्फ्लेमेबल गैस से भरा हुआ कोई भी कैनिस्टर आप कुरियर से भेज नहीं सकते, तो अमेजोन से भी आपको जो मिलते हैं वो एम्प्टी ही मिलते हैं। तो फाइनली आई गॉट दिस इन पनवेल। एक्चुअली जो रेफ्रिजरेटर के रिपेयर्स रिलेटेड जो शॉप होते हैं उसमें ये आराम से मिल जाता है, उनके पास ये इजीली स्टॉक में अवेलेबल रहता है। एंड दिस कम्स फॉर 90 bucks, 90 rupees ईच। तो मैंने 4 उठा लिया है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये एक कितना टाइम चलेगा, कितना सर्व करेगा, तो वो तो अभी बाद में ही पता चलेगा कि एक कितना काम करता है। सो यस, लेट्स इंस्टॉल दिस हियर। इसको निकाल के
वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि इसमें एक नॉच है यहाँ पे, ये जो नॉच है दिस हैज टू अलाइन विथ दिस क्लिप। अगर ये नॉच इस क्लिप के साथ अलाइन नहीं होता है तो फिर इसका नोजल ठीक से बैठेगा नहीं और गैस लीकेज होता है। सो यस, ये अलाइन करके इस तरह से इसको सिर्फ स्लाइड इन करना है। ओके, एंड दिस इज द आइडल पोजिशन जब आप कैरी करना है, आपको कहीं पे भी लेके जाना है, सूटकेस में डालना है या आपके रक्सैक में डालना है, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। इस पोजिशन पे अगर आप इसको घुमाएंगे भी तो ये लाइट अप नहीं होने वाला, बिकॉज द गैस कैनिस्टर इज नॉट एंगेज। ओनली वेन यू प्रेस दिस डाउन ऑल द वे तभी ये एंगेज होता है। इट इज ऑल्सो सेड हियर लॉक एंड अनलॉक पोजिशन। तो इसको लॉक करने के बाद ही आप अगर इसको रेगुलेटर को घुमाएंगे तभी ये गैस चालू होगा। आई एम नॉट गोना लाइट इट अप हियर बिकॉज मैं बैठा हूँ बेड पे और दिस इज नॉट सेफ। ऑल्सो दिस इज नॉट सेफ बिकॉज दिस इज अ ब्यूटेन बेस्ड बर्नर, तो इसमें से कार्बन मोनोक्साइड एमिट होता है, तो क्लोज एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए नहीं है ये। इट इज मेंट टू बी यूज आउटसाइड इन द ओपन। लेट्स सी बाहर कहीं चल के इसको क्रैंक अप करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, बाहर यूज करते वक्त एक और इसका एक मल्टीपर्पज आप यूज कर सकते हो, इसी को इस तरह से रख के इट कैन वर्क एज अ विंड स्क्रीन ऑल्सो। तो अगर थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो उस जगह पे भी आप इसको यूज कर सकते हो जस्ट बाय कीपिंग दिस। तो होपफुली आपके अगले ट्रैक या कैंपिंग वेकेशन पे मैगी, चाय, कॉफी सब आप खुद बना पाएंगे, इसके लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया है कि ये आपका हो सकता है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एवर गिव अवे ऑन दिस चैनल। अगर आपको ये जीतना है तो ये कैसे जीत सकते हो आप, कैसे ये कैंपिंग स्टोव आपका हो सकता है, कमिंग अप जस्ट इन अ वाइल। Before we fire up the stove, let me tell you about this giveaway. Now we are bringing this giveaway in partnership with angelbroking.com. angelbroking.com is one of the oldest stockbroking sites in India. They're established in 1996, so more than 24 years of trust and experience they have with them. Well, to encourage more and more people to come into stockbroking field, they are offering a free demat account now. Normally agar aap demat account open karne jayenge to आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस वगैरह भरना पड़ता है, बट दे आर गेटिंग रिड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। आपको पूरे एक साल के लिए देर इज नो अकाउंट ओपनिंग फीस, देर इज नो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। एक साल तक आप जितना चाहे ट्रेडिंग कर सकते हो, और एक साल के बाद इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इन दिस फील्ड, इफ़ यू फील लाइक इट कैन बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम करियर फॉर यू, तभी आपको अगले साल उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भरना है, वो भी है ओनली 450 रुपीज़ पर ईयर। सो आई थिंक एंजल ब्रोकिंग इज मेकिंग इट एज ईजी एज पॉसिबल फॉर एवरी वन टू गेट इन टू द फील्ड ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग। नाउ अबाउट दिस गिव अवे, यू विल फाइंड एट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। आपको सिर्फ ये करना है कि उस लिंक पे क्लिक करके आपका खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अगर आप इस लिंक से जाके डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो पूरा प्रोसीजर होने के बाद, डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक क्लाइंट कोड मिलेगा। वो कोड आपको हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। ऑफ कोर्स यू नीड टू फॉलो अस फॉर दैट ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल है हमारा। यू डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट द प्रोसीजर और कैसे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है। आप पहले पेज पे जब अपना मोबाइल नंबर डालोगे उसके बाद उनका रिप्रेजेंटेटिव आपको पूरी प्रोसेस में से गाइड करेगा। एंड वंस यू आर डन, आपको सिर्फ वो क्लाइंट कोड हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करना है। एंड एज आई सेड बिफोर, सिर्फ एक नहीं, जितने आप चाहो उतने कैंपिंग स्टोर्स गिव अवे के लिए हम लाएंगे। बिकॉज व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज फॉर एवरी 10 अकाउंट्स ओपन्ड अंडर दिस लिंक हम एक कैंपिंग स्टोर गिव अवे के लिए अवेल करेंगे। अगर 10 अकाउंट खुलते हैं तो एक स्टोव गिव अवे करेंगे, अगर 100 अकाउंट खुलते हैं तो 10 गिव अवे करेंगे। सो ऑल दैट यू नीड टू डू इज आप अपना खुद का अकाउंट ओपन करो, वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहो कि डीमैट अकाउंट ओपन करे इस लिंक को यूज करके, सो दैट ज्यादा से ज्यादा आपके चांसेस हो इस कैंपिंग स्टोव को जीतने के। एंड बाय द वे, एज ऑलवेज इन अदर जर्नीज, इन दिस जर्नी ऑल्सो आई एम विथ यू ऑल, बिकॉज मैंने भी अभी अभी ये डीमैट अकाउंट ओपन किया है एंड आई एम जस्ट बिगिनिंग माई जर्नी इन द स्टॉक ब्रोकिंग फील्ड। सो आप जितना इनएक्सपीरियंस्ड हो मैं भी उतना ही इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, शायद आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रहेगा। सो लेट्स गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर। जैसे काउंटिंग किलोमीटर्स पूरी फैमिली एक साथ चलती है, इसमें भी साथ चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंपिंग स्टोर्स जीतिए। विद दैट सेड, इट्स टाइम टू फायर अप द स्टव नाउ। मैंने ये पार्ट सबसे आखिर में इसलिए रखा था क्योंकि पूरे वीडियो में थोड़ा भी सिनेमेटिक फील नहीं आया, ये थोड़ा मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था। सो सिर्फ फायर अप करके क्यों दिखाना, मैंने सोचा कुछ बनाया जाए उस पर, और अगर बनाएंगे तो उसका वीडियो भी अच्छा बनाएंगे। लेट्स गो एंड डू इट।